बिग बॉस के 23 सीजन के शुरू होने से पहले से ही हम आपको सारी खबरों से अपडेट रखते हुए आ रहे हैं और अब भी हम आपको घर की हर एक खबर बताते हैं, ना सिर्फ घर की बल्कि घर के बाहर की भी खबरों से आपको रोज रूबरू करवाते हैं। लेकिन उसके साथ ही हम आपके लिए लेकर आते हैं रोजाना टॉप 5 खबरें जो आपको एपिसोड के आने से पहले ही अपडेट करती हैं और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा खबरें भी बताती हैं बिग बॉस सीजन 13 के बारे में। तो अब एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं वही टॉप 5 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं एक बार इन खबरों के बारे में। तो बिग बॉस के घर से जो पहली खबर सामने आ रही है वो ये है कि कंटेस्टेंट शेफाली बग्गा का बिग बॉस के घर में कनेक्शन नजर आ रहा है सिद्धार्थ डे के साथ। लेकिन शेफाली बग्गा ने बिग बॉस हाउस में ही इस बात को कंफर्म किया है कि उनका बाहर एक बीएफ है। जी हाँ, उन्होंने इस बात को खुद कबूल किया नॉमिनेशन टास्क के दौरान जब वो सिद्धार्थ डे को कन्विंस कर रही थी कि मेरा आपके साथ एक कनेक्शन है लेकिन मेरा घर के बाहर भी एक कनेक्शन है। लेकिन बिग बॉस के मेकर ने इस बात को हाईलाइट नहीं किया क्योंकि इस बात से घर में नजर आ रहे शेफाली और सिद्धार्थ के बॉन्ड पर असर पड़ता। लेकिन उस बात को हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने टास्क के दौरान ये बात कबूल की है कि घर के बाहर उनका एक सीरियस रिलेशनशिप भी है। इसके बाद जो अगली खबर सामने आ रही है वो भी इसी तरह से है। जी हाँ, और वो खबर है पारस छाबरा को लेकर। पारस छाबरा और शहनाज कौर गिल का घर में कनेक्शन नजर आ रहा है और नॉमिनेशन टास्क के बाद तो उन्होंने ये शो किया है कि उन दोनों का बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है एंड दे लव ईच अदर। लेकिन अभी ये खबर सामने आई है कि पारस छाबरा के हाथ पर उनकी गर्लफ्रेंड के नाम का टैटू है जो कि घर में वो अक्सर छिपाते हुए नजर आते हैं और ये बात का खुलासा पारस की गर्लफ्रेंड ने खुद किया है। और ये तो आपने भी नोटिस किया होगा कि पारस अक्सर अपने हाथ को छुपाए रखते हैं और बिग बॉस के मेकर्स भी कोशिश करते हैं कि उनका हाथ शो ना हो, क्योंकि अगर वो टैटू शो हुआ तो घर में नजर आ रहा शहनाज और पारस का कनेक्शन टीआरपी की वजह है और टीआरपी पर इससे असर पड़ सकता है। अगली खबर जो सामने आ रही है वो है घर के सदस्य सिद्धार्थ ला और रश्मि देसाई को लेकर। नॉमिनेशन टास्क के बाद सिद्धार्थ और रश्मि के बीच में काफी अच्छा बॉन्ड नजर आ रहा था। दोनों को देखकर लग रहा था कि अब इनकी दोस्ती एक अलग लेवल पर जाने वाली है। लेकिन अब तो उनके बीच में पैचअप तो दूर, अब तो उनके बीच में ब्रेकअप हो गया है। घर में राशनी की वजह से सिद्धार्थ और रश्मि के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है और जिसके बाद तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इनकी बातें भी होना मुश्किल ही है क्योंकि यहाँ पर बातें उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बोली हैं। उसके बाद बात करते हैं बिग बॉस के घर के बारे में। पिछले 12 सीजन से बिग बॉस के घर को लेकर ये बात सामने आती रही है कि बिग बॉस के घर में भूत है और ये बात इस सीजन में भी सामने आई है क्योंकि रात के वक्त शहनाज अचानक से अजीब अजीब हरकतें करने लगती, अजीब अजीब आवाजें निकालने लगती हैं, जिससे लगता है कि उनमें भूत आ गया है। लेकिन हम आपको यहाँ पर क्लियर कर दें कि शहनाज में कोई भूत भूत नहीं आया है। वो तो घर वालों को बता रही होती हैं कि अगर कोई ना भूत होती वो किस तरीके से रिएक्ट करती। तो यहाँ पर भूत जैसा कुछ भी नहीं है, बस शहनाज घर वालों को एंटरटेन करने के लिए भूत बनने की एक्टिंग कर रही है। अगली खबर जो बिग बॉस के घर के अंदर से सामने आ रही है वो ये है कि सभी घर वाले मिलकर आसिम को टारगेट कर रहे हैं। एक एक करके सभी आसिम के साथ झगड़ा करते हुए नजर आने वाले हैं। पहले देवोलीना और आसिम एक दूसरे की ड्यूटीज को लेकर झगड़ते हैं एंड देन शेफाली और आसिम के बीच में झगड़ा हो जाता है और फिर पारस छाबरा भी आसिम को ये बताते हुए नजर आते हैं कि उन्हें उनकी ड्यूटी ठीक से करनी चाहिए और इन दोनों का भी झगड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, ये है आज की टॉप 5 खबरें जो आप कभी कभार टीवी की स्क्रीन पर मिस कर जाते हैं और कुछ ऐसी खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलती हैं, जो सिर्फ यही मिलती हैं। इसी तरह से आपको रोजाना टॉप 5 खबरें रात 8 बजे देखने को मिलेगी। तो इसी तरह से ये खबरें पाने के लिए बने रहिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज के रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।